हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मोटो टू लवरो का चार नंबर एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यामी को दिखाया जाता है जो एक बुक को पढ़ रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रितो, हरुना और लाला आती हैं। उसके बाद यामी बोलती है, प्रिंसेस आप क्या स्कूल से घर पे जा रहे हैं? इसके बाद जो लाला होती है वो बोलती है हाँ। इसके बाद दो लड़कियाँ आती हैं और यामी को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं तुम कितने क्यूट और प्यारी हो। इसके बाद यामी वहाँ से जंप करती है और बोलती है कोई मुझे हक करे, ये मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद हाउना बोलती है तुम कौन से टाइप के बुक पढ़ रहे थे? इसके बाद रितो उस बुक को देख रहा होता है और बोलता है ये बुक तो मेरी मॉम का है। इसके बाद लाला बोलती है ओ मतलब तुम्हारी मॉम कितनी औसम है। इसके बाद यामी रितो से उसका बुक को लेती है और बोलती है मुझे धरती के ड्रेसेस में थोड़ा इंटरेस्ट है। इसके बाद दोनों लड़कियां यामी को पकड़ के शॉपिंग मॉल की ओर जाती हैं। इसके बाद लाला बोलती है हमें भी जाना चाहिए रितो और हरुना। इसके बाद रितो ये सुन के बोलता है क्या मैं भी जाने वाला हूँ और उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। इसके बाद हमें शॉपिंग मॉल का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रितो जाता है और देखती है जो सारे लड़कियाँ होती है वो ड्रेसेस को देख रही होती है। थोड़े आगे जाने के बाद रितो देखती है जो यामी होती है वो एक अंडरवेयर को पकड़ी होती है जो देख के रितो का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। इसके बाद एक लड़की यामी को बुलाती है और बोलती है ये ड्रेस तुम्हें ट्राई करना चाहिए। इसके बाद यामी उस ड्रेस को ट्राई करती है। इसके बाद यामी जब ड्रेस चेंज कर रही होती है तब लाला ड्रेसिंग रूम को खोल देती है। उसके बाद यामी का फेस थोड़ा रेड हो जाती है और वो रितो को वो मार देती है। इसके बाद जब यामी का ड्रेस हो जाता है तब बाकी लोग बोलते हैं तुम कितनी अच्छी और क्यूट लग रही हो। तब एक लड़की बोलती है तुम इस ड्रेस में लड़के जैसा लग रही हो। उसके बाद ऐसे करते करते वो एक दो तीन ऐसे करते करते और ड्रेस पहनने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम हो जाती है। इसके बाद एक लड़की रितो से बोल रही होती है यामी कैसी लग रही है। इसके बाद रितो बोलता है अच्छी लग रही है। इसके बाद वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और यामी और बाकियों को डिस्टर्ब करने लगते हैं। तब रितो वहाँ पे जाता है और उनसे भिड़ जाता है। इसके बाद बाकी के जो लड़के होते हैं वो रितो को मारने लगते हैं। तब यामी बोलती है ये मेरा टारगेट है, तुम इससे दूर रहो। इसके बाद वो इन सबको मार देती है। इसके बाद यामी उनसे माफ़ी मांगती है कि उसके कपड़े फट चुके हैं। इसके रिप्लाई में वो लड़की बोलती है चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम दूसरे खरीद सकते हो। इसके बाद यामी बोलती है मेरे जो पहले के ड्रेसेस हैं मुझे लगता है वही मेरे लिए अच्छे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में स्कूल का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे यामी लाइब्रेरी में होती है। वहाँ पे रितो और लाला भी होते हैं। वो दोनों लड़कियाँ जाती हैं और यामी के स्कर्ट को उठाती हैं। उसके बाद रितो जो यामी का अंडरवेयर है उसे देखती है। उसके बाद यामी रितो को मार देती है। इसके बाद हमारा सीन यहीं पे चेंज होता है और हमें दिखाई देती है जो हरुना होती है वो अपने पेट को लेके पार्क में वॉकिंग कर रही होती है। तब वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आता है और उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद हमें डॉक्टर मिकाटा का हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक एलियन का चेकअप करती है। उसके बाद वो एलियन थैंक यू बोलती है और एक ह्यूमन का कॉस्ट्यूम पहनती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है वहाँ पे रितो और लाला भी होते हैं। लाला मिकाडो के असिस्टेंट से बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसके रिप्लाई में वो बोलती है डॉक्टर मिकाडो मेरी बॉडी को मेंटेन करने में मदद करती हैं, बदले में मैं उनकी मदद करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर मिकाडो बोलती है तुमने स्पेशल सी मेडिसिन मुझे ला के दे के बहुत मेरी मदद की है। उसके रिप्लाई में लाला बोलती है थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये जस्टिन ने मुझे ला के दिया है। इसके बाद डॉक्टर मिकाडो की असिस्टेंट बोलती है अब मेरा ब्रेक टाइम है इसके लिए मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ। इसके बाद वो जब जाती है तब वो हाउना के पेट को देख के डर जाती है और उसका जो सोल है वो बॉडी से निकल जाती है। इसके बाद हाउना डॉक्टर मिकाडो के हाउस पे जाती है और बोलती है कोई मेरा पीछा हर शाम को करता है। इसके बाद डॉक्टर मिकाडो बोलती है शायद वो थर्की हेडमास्टर हो सकता है। इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता है कि वो है। इसके बाद लाला बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद वो अपना एक गैजेट को निकालती है और उसके बाद लाला और हाउना अपना बॉडी को चेंज करती हैं। उसके बाद जो लाला होती है वो रितो को हक करती है। इसके बाद ये देख के हाउना थोड़ी शौक हो जाती है। इसके बाद हमें शाम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लाला हाउना के डॉग को लेती है और पार्क में चलने लगती है। इसके बाद रितो हाउना को देखती है और बोलती है ये क्या सच में हाउना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है
जो ये तीनों होते हैं वो एक जगह पे छुपे हुए होते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो स्ट्रेंजर आता है और जैसे ही वो लाला को पकड़ने वाली होती है, लाला उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लाला अरुणा की बोटी पे होती है, इसलिए उसका पाँव थोड़ा कम होता है और उसे वो धक्का देके गिरा देती है। इसके बाद डॉक्टर मिकाडो की असिस्टेंट वहाँ पे आती है और उस स्ट्रेंजर के ऊपर अटैक करने लगती है। उसके बाद वो उस डॉग को देख के थोड़ा डर जाती है और हाउना के ड्रेस को वो फाड़ देती है, जो देख के रितो और हाउना शॉक हो जाती है। इसके बाद जो डॉक्टर मिकाडो की असिस्टेंट होती है वो उस स्ट्रेंजर के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद वो सब उससे पूछ रहे होते हैं वो हाउना का पीछा क्यों कर रही होती है। इसके बाद वो बोलती है वो असली में इस डॉग का पीछा कर रही होती है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो जब अपना मास्क उतारती है तो डॉक्टर मिकाडो की असिस्टेंट उसे देख के डर जाती है और उसे इतना मारती है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जिसके बाद डॉक्टर मिकाडो और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाला के फादर होते हैं वो बोलते हैं नाना और मोमो को यहाँ पे लाने के लिए जस्टिन से बोल रहे होते हैं। इसके बाद जस्टिन बोलता है ठीक है मैं उन्हें यहाँ पे लाऊंगा। इसके बाद हमें रितु का हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे मिकान रितु से बोल रही होती है गर्म पानी को तैयार करने के लिए। इसके बाद रितु जब बाथरूम में जाता है तब वो देखती है वहाँ पे नाना और मोमो चैन नहा रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों उसके ओर कुछ फेंक देते हैं जिसके बाद रितु गिर जाता है। इसके बाद जो लाला होती है वो इन दोनों को देख के खुश होती है, सब बोलते तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। इसके बाद नाना बोलती है हमें एक जल्दी थी इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। इसके बाद ये देख के लाला बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। इसके बाद मोमो चैन बात को पलटते हुए बोलती है तुम्हारे और रितु में जो रिलेशन है उसमें प्रोग्रेस क्या क्या हुआ है। इसके बाद लाला बोलती है इन दोनों के पास एनिमल और पौधों के साथ बात करने की स्पेशल पावर है। ये सुनने के बाद मियान थोड़ी शॉक होती है। उसके बाद वहाँ पे जस्टिन आता है और बोलता है मुझे पता था तुम यहीं पे हो। इसके बाद वो बोलता है जो प्रिंसेस है वो वहाँ से भाग के यहाँ पे आई है। इसके बाद लाला इन दोनों से पूछती है तुम वहाँ से यहाँ पे क्यों आई हो। इसके बाद वो दोनों बोलती हैं स्टडी का पैसा था इसीलिए वो दोनों वहाँ से यहाँ पे आए हैं। इसके बाद देखते हैं वो दोनों यहाँ पे होते ही नहीं है। उसके बाद जस्टिन उस दोनों को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लाला बोलती है घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद रितु बोलता है देखो कौन बोल रहा है जो खुद घर से भाग चुकी है वो। इसके बाद मोमो चैन नाना से बोलती है तुम्हारी वजह से ही मुझे लगता है ये सब हो रहा है। इसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो दोनों फाइटिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जस्टिन आता है और उन्हें इस हालात में देखता है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद नाना चैन अपने पाव की मदद से एक एनिमल को शमन करती है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजती है। इसके बाद मोमो चैन अपने पाव की मदद से जस्टिन को पकड़ लेती है। इसके बाद वहाँ पे रितु मिकान और लाला आती हैं। इसके बाद रितु बोलता है मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो जैसे ही जाता है एक एनिमल उसके ऊपर अटैक कर देता है और हमारा सीन यहीं पे चेंज होता है और दिखाया जाता है जो वहाँ का किंग होता है वो जस्टिन के साथ कॉन्टेक्ट करता है और बोलता है वहाँ का जो सिचुएशन है वो कैसा है। उसके बाद वो बोलता है मैं मिशन में फेल हो चुका हूँ। इसके बाद वहाँ का राजा गुस्सा होने लगता है। इसके बाद नाना चैन और मोमो चैन मिकान से बोल रही होती है वहाँ के रहने के लिए। इसके बाद मिकान राजी हो जाती है। इसके बाद हमें रितु को दिखाया जाता है जिसकी हालत अभी बहुत ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो देख के अगर आपको मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।